अस्सलामुअलैकुम मेरे अपनों, मेरे प्यारों, उम्मीद है खैरियत से होंगी। अदरक लहसुन ऐड करूँगी, हरे मसाले के बना रही हूँ गोला कबाब सीख वाले सीखों पे, अंगीठी पे, और ये चाइनीज़ नमक, साबुत धनिया, गरम काली मिर्चें और सादा नमक और पिसा हुआ धनिया, बस ये चीज़ें ऐड करके नींबू और अदरक लहसुन हम मिक्स कर लेंगे कीमे में अच्छी तरह, और मिक्स हो जाएगा कीमे में ये सारा मसाला तो बड़े यम्मी यम्मी बनेंगे गोला कबाब। तो हम कर रहे हैं बारबेक्यू। मैंने जैसे बताया था संडे वाले दिन मेरी फैमिली की दावत है मेरी तरफ से ईद की, तो इसलिए मैंने क्यों ना अपनों के साथ प्यारों के साथ खुशी शेयर कर लूँ, और हरा धनिया भी ऐड करूँगी। तो आज बना रही हूँ हरे हरे मसाले के गोला कबाब यम्मी यम्मी अंगीठी पे सीखों पे। और अच्छा, हम बारबेक्यू मतलब बोटियाँ भी बनाऊँगी, तो उसका मैं तरीका नया लेके आई हूँ, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती हूँ मैं आगे। पहले हम ये कीमे का काम ख़त्म कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छा लगेगा तो लोग लाइक शेयर करना ना भूलना, दुआ में याद रखना। देखो कितने अच्छा मिक्स कर रही हूँ, किस किस पानी आ रहा है, किस किस को खाना है आके खा सकते हैं। और प्लीज़ जो तरीका बताया सेम ऐसे यूज़ करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा टेस्ट आएगा खाने में। अच्छा, मैंने एक चीज़, यार मैं अकेले काम कर रही थी बताना भूल गई, इसमें मैंने क्रीम भी, फ्रूट क्रीम होती है ना, वो भी ऐड की थी कीमे में भी और बोटियों में भी। तो मैंने वो आपको मैं मुंह से बता देती हूँ, अपनों को प्यारों को आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं जो चीज़ यूज़ करती हूँ मैं ज़रूर बताती हूँ, बेशक दिखाना भूल जाऊँ क्योंकि मैं अकेली तो होती हूँ तो इसलिए भूल जाती हूँ। अब ये बोटियों का मसाला है, पिसा धनिया, हल्दी, पिसी मिर्चें, मुँह से ही बता रही हूँ, कुटी मिर्चें और तिक्का बोटी का मसाला, और इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन, काली मिर्चें और साबुत धनिया और सादा नमक, चाइनीज़ नमक और नींबू। ये मसाला अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे बोटियों के अंदर। अब मैं नया तरीका बता रही हूँ बारबेक्यू की बोटियों का। ऑयल गरम करेंगे, ऑयल गरम करने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, पेस्ट डाल के उसमें हम मिक्स कर देंगे बोटियों को, चढ़ा देंगे। ये दिन पक जाएंगी, बिल्कुल गल जाएंगी, तो उसमें कोयले की धुनी लगा देंगे। जो तरीका मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकी वो मैं आपको मुँह से बता रही हूँ। ये बोटियों का तरीका प्लीज़ मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जिनके अंगीठी नहीं है, सीखे नहीं है, जिन्हें परेशानी है, उनके लिए मैं नया तरीका लेके आई हूँ। बिल्कुल सेम ऐसे ही यूज़ करना, ऐसा टेस्ट आएगा जैसे आपने सीखों पे, अंगीठी पे बनाई हैं बोटियाँ, ठीक है। बोटियों का तरीका मैं ये लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, अपनों के लिए, प्यारों के लिए। तो प्लीज़ आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर करना ना भूलना, दुआ में याद रखना। आप लोगों का प्यार चाहिए प्लीज़, बहनों का, भाइयों का, प्लीज़ आप लोगों का बहुत ज़्यादा मोहब्बत चाहिए कि मैं आगे बढ़ सकूँ, कुछ कर सकूँ, अपने दम पे पाँव पे खड़ी हो सकूँ। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल का काम शुरू किया है अपनी बेटी के लिए, अनाया के लिए, कि मैं उसके लिए अपनी जाति से भी कुछ कर सकूँ अपनी बच्ची के लिए। वैसे उसके पापा हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपने दम पे भी अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकूँ। ये गलत सोच है मेरी, जिसको मेरी सोच अच्छी लगी है तो वो ज़रूर मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला बढ़ाना। और आप लोगों का प्यार चाहिए तो मेरा हौसला यूँ बढ़ाते रहें। अल्लाह हाफिज़।